पंजाब में कोविड से दो लोगों ने दम तोड़ दिया। यह मौतें लुधियाना और जलंधर में हुई। वहीं पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी भी कोविड पॉजिटिव हो गई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि इससे पहले जेल एवं शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अनमोल गगन मान और डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी भी पॉजिटिव हो चुके हैं। पंजाब के लिहाज से चिंताजनक बात तो यह है कि 102 मरीज लाइफ सेविंग सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इनमें 86 ऑक्सीजन, 14 आईसीयू और 2 वेंटिलेटर पर हैं। आपको बता दें कि राज्य में 24 घंटे में 467 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 3121 हो गए हैं। सबसे ज्यादा 75 मरीज जलंधर, मोहाली 63, लुधियाना 46, पटियाला में 37 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि पंजाब का पॉजिटिव रेट 4.68% पहुंच चुका है। वहीं रविवार को 10,591 सैंपल लिए गए, जबकि 9,974 की कोविड टेस्टिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।